भाई अम्मा पूछ रही थी सुबह नाश्ते में हलवा पूरी मंगवा लूं। हाँ ठीक है, मंगवा लो। ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ वो कैसी है? वो कौन? दुर्योधन, तुम्हारी भाभी। ठीक ही होगी, वैसे मैंने कभी गौर ही नहीं किया। हाँ लेकिन जब मेरी असल वाली भाभी आएगी तो जरूर चाव पूरे करूंगी। वैसे भाई आपकी तो लॉटरी निकल आई है। ये दुर्योधन कसम से बहुत ही काम चोर है, सारे काम हम पे छोड़ के चली जाती है। देखो कितना गन डाला है, कहा भी है कि अम्मा बीमार रहती हैं। तौबा। और बताओ मलेशिया का टूर कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा यार, पर तुम साथ चलती तो और ज्यादा मजा आता। हम दोनों साथ में मिलके बहुत ज्यादा शॉपिंग करते, घूमते फिरते, एंजॉय करते। लेकिन तुमने तो साफ मना कर दिया था मुझे भाई। वेल आई न्यू दैट कि तुम अपनी फैमिली के साथ जा रही थी, तो मैंने सोचा हम फिर कभी प्लान कर लेंगे। ये तुम क्या कह रही हो यार, तुम भी तो हमारी फैमिली का हिस्सा हो। और पता है शादी ने तुम्हें कितना मिस किया? मेरा बेचारा भाई पूरी ट्रिप पे गुमसुम सा रहा है। तब्रेज की कॉल आ रही। कौन तब्रेज? हेलो, बोलो। क्या कहूँ, तुम्हारी याद में मुझे कुछ कहने के काबिल कहाँ छोड़ा है। जब कहने को कुछ नहीं है तो फिर कॉल क्यों की? तुमसे ये पूछने के लिए। हमारे इस ताल्लुक को नाम कब तक मिल सकता है सिंपल? ये तो डैड ही बता सकते हैं। हाँ तो इसी सिलसिले में तो मैंने तुम्हें फोन किया है। मेरे पेरेंट्स तुम्हारे फादर से मिलना चाहते हैं यार। या श्योर, वो कभी भी आ सकते हैं। हाँ तो ठीक है, तुम अपने डैड से बात करो, वो जिस दिन फ्री हैं बता दें, मैं अपने पेरेंट्स को बुला लूंगा। तब्रेज, मेरे डैड बिलियंस की डील भी छोड़ सकते हैं मेरे लिए। यू जस्ट डोंट वरी, तुम बस अपनी फैमिली को लेकर आ जाओ। दैट्स ग्रेट। ओके बाय, सी यू सून। ओके बाय।